नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 12.20 मिनट तक हिमाचल में कांग्रेस 37 और बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है। इसी बीच सूत्रों ने ये खबर भी आ रही है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ ले जा सकती है। कांग्रेस अपने सभी विजयी विधायकों को शिमला से दूर स्थान पर ले जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी विधायक की खरीद फरोख्त न हो पाए। हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायकों को जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद चंडीगढ़ आने के लिए कहा गया है। खबर लिखे जाने तक हिमाचल की 68 सीटों में से कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है। इसी बार का चुनाव काफी रोचक रहा है। वोटों की गिनती में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आगे चल रही है, वही निर्दलियों के भी आगे होने से मामला अटक जाना पड़ रहा है। अब तक के रुझानों के अनुसार बीजेपी की प्रतिनिष्ठा रखने वाले 4 बागी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। नालागढ़ सीट से भाजपा के बागी केएल ठाकुर, देहरा सीट से भाजपा बागी होशियार सिंह, बाजार सीट से भाजपा बागी हितेश्वर सिंह और झंडुता से राजकुमार आगे चल रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि उसे स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में ये बागी प्रत्याशी यदि जीत हासिल करने में सफल रहे तो इनका समर्थन उसे हासिल हो जाएगा। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से बीजेपी को 44 और कांग्रेस को महज 21 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं गुजरात की बात करें तो वहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी 153 सीटों पर, कांग्रेस 20 सीटों पर, आप 6 और अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं।